एवरेज फीलिंग था। जब जैसे ही गाना स्टार्ट होगा ना तो फीलिंग से आप जैसे आपको आपने जैसे लिखा है उस फीलिंग से इधर पे रहने दो, थोड़ा ये पीछे रह जा थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, जब म्यूज़िक आएगा ना दादा, आप कुछ बोलना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे? बहुत डिफिकल्टी है एक्चुअली, बट वी आर स्टिल गोइंग वेल। कट करिए, थोड़ी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा दादा, इतना साफ करना पड़ेगा। देखो कैमरे में फटक से निकलेगा, कैमरा में इतना वाइट आगे का सब बहुत अच्छा वाटर। तो मैम, ये आपका फर्स्ट टाइम था कोई शूट करना गाना? ये सेकंड टाइम। तो आपको कैसे लग रहा है ये टाइम, मतलब चारकोल स्टूडियोज के साथ करने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेंबर है, ये सब मेंबर्स तो जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, मतलब सब इतने, मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली लग रहा है मुझे। ओके। और मैम, आपने भी बहुत ज़्यादा मेकअप किया रहेगा अलग बड़े बड़े स्टूडियोज में। आप कार के अंदर मेकअप करने में कैसे लग रहा है? कार के में मेकअप करना, मतलब ये मेरा सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस है। मैंने सबसे पहले गज़ल गायक हैं जसविंदर सिंह, उनके साथ काम किया था, तो उनके साथ भी ऐसे भाग भाग के शूट करना था। तो प्रॉब्लम तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्पेस बहुत कम पड़ता है, लेकिन वो भी एक मज़ा है अलग, एक नया सिचुएशन, एक नया कुछ नया सीखने को भी मिलता है कि अगर कम चीज़ है तो या कम जगह है तो हमको कैसे उसमें अलग तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, कैसे सामने वाले को सुंदर बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा चारकोल स्टूडियोज के साथ, मतलब उनके मेंबर? बहुत मज़ा आया, बहुत वो लोग हार्ड वर्किंग है, मतलब जो उनका काम करने का तरीका देख रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। सो मैं क्रिएटिविटी बहुत सारी है, बहुत मतलब अलग छोटी छोटी चीज़ों में वो लोग इतने सुंदर तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब वाओ कितनी बड़ी जगह पे शूट कर रहे हैं। मतलब वो लोकेशन बहुत सिंपल सा है, लेकिन वो जिस तरीके से शूट कर रहे हैं वो काबिले का क्या बोलते हैं, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। हाय शुभम दादा, क्या कर रहे हो? 5 स्टार है। इडली वड़ा खा रहे, इडली वड़ा, ये वड़ा जंगल में इडली। चलिए क्या अभिषेक, वो बोलता रहेगा ऐसे रोज शूट करो, है ना रे? वड़ा 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 पाव, वड़ा पाव नहीं, पाव नहीं, सिर्फ वड़ा, वो जो मेदू वाला था ना, मेदू वाला वड़ा वो खाए। और अभी ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्टर मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए रहता है, गोल्डन लाइट, सिल्वर लाइट, जैसा चाहिए। 4 बजे से प्लान करके रखें। शूट बहुत जल्दी में हुआ, लाइक 1-2 दिन में डिसाइड हुआ शूट करने का। सो ऑब्वियसली बहुत खाई हुआ हो रहा है। ओके। और शूट का शेड्यूल भी बहुत कम है, लाइक जो शूट आप हम लोग को 2 दिन में करना है वो हम लोग को 4 या 5 घंटे में कंप्लीट करना है एक्चुअली। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। और कम से कम 4 मिनट का सॉन्ग है कि भाई ये 4 मिनट हो सकता है, नहीं तो कोई 4 दिन में भी होगा, एक दिन भी कर सकता है, डिपेंड्स। ओके, जितने ज़रूरत होगी उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और कुछ नहीं है। और बस एक्सपीरियंस है तो बंदा एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अभी तो 1 दिन भी नहीं, 6 घंटा भी नहीं हुआ बराबर से देखा तो। बराबर से देखा जाए तो अभी 6 घंटा होने में कुछ 25 मिनट बाकी है। हाँ, ऑलमोस्ट। आई थिंक अपना ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम गया, ट्रैवलिंग में फिर इधर ढूंढने में लोकेशन, लोकेशन थोड़े ढूंढने में वैसे थोड़ा एक्चुअली लोकेशन का रेखी करना पड़ता है पहले। इट्स लाइक अगर देखो जहाँ शूट करना है वहाँ पे तू जाकर मतलब कि कैसे शूट होगा वहाँ पे, वो रेखी बोलते हैं, वो रेखी करना पड़ता है, वो अपना इतना हुआ नहीं है। तो बेसिकली अपने को लोकेशन ढूंढने पड़ रहे हैं कि यार कहाँ पे शूट करेंगे, कैसे शूट होगा, कैसे एंगल डिसाइड करेंगे। वैसे बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसा वीडियो का शूट कर रहे हैं और ये हम लोग ने प्लानिंग बहुत फास्ट किया है। मतलब शूट हम लोग को 2 दिन पहले रिक्वायरमेंट आया था तो हम लोग ने फटाफट प्लानिंग किया और जो शूट हम लोग 2 दिन में कर रहे हो हम लोग 1 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। सो मॉर्निंग में एक्चुअली एक वीडियो का एक पार्ट हो गया है पूरा, अभी हम लोग एक्स्ट्रा शॉट्स ले रहे हैं उसमें जो पिलर्स बीच में आएंगे। तो कैमरा भी बहुत हैवी है। अरे कितने किलो का रहेगा फिर भी? अभी टोटल इसका वेट रहेगा विथ रोनिन 6 kg तक जाएगा। 6 kg आई थिंक। और उसको इस तरह से होल्ड करने के लिए करना पड़ता है प्रॉपर, क्योंकि अभी मैं गिम्बल पकड़ा मुझे पता चल रहा है क्या इस तरह से कैमरा होल्ड करना। ये 3 kg नहीं, 3 kg में ये 2 kg भी नहीं रहेगा, 2 kg भी नहीं रहेगा, 1 kg तक रहेगा मोबाइल और फोन का गिम्बल। और ये सब का एक्चुअली 5D Mark IV का एक्चुअल वेट 2.5 kg रहेगा और उसके बाद ये गिम्बल का वेट आता है कुछ तो 3 kg, क्योंकि पूरा रॉड मेटल का रहता है और तो स्टेबल रखने के लिए इसको पूरा मैकेनिज्म ये सब। इसका बैटरी रहता है कुछ 1 किलो का, तो उसका पूरा टोटल वेट जाता है 5.5 kg तक जाता है। प्रोफेशनल पैरामिलिट्री वाले इधर क्रॉस कर रहे हैं। पूरे दिन के शूट के बाद कैसा लग रहा? मुझे गुजरा 12 घंटे हो गए ना दादा स्टार्ट करके? 4 बजे शुरू किए थे ना? 9 सुबह 4 बजे उठे थे। ये शुरू हो गया हम लोग का काम, शुरू हो गया था ना 4 बजे पैकिंग वैकिंग सब। लेकिन अभी कितना बजा है? 5 बजे, 4:30, 5 बजे तक अपना पैकअप। 1-2 शॉट ले लेंगे बाद में पैकअप। लीड एक्ट्रेस सिंगर आई एम अ सिंगर। ओह सॉरी, वीडियो शूट हो रहा है ना अभी एंड आई एम वेरी मच टायर्ड। आपका भी हो गया? आपका कितना घंटा? 6 से 7 घंटे तो हो गए होंगे। हाँ 10.5 घंटे लगातार शूट, लगातार मेकअप फिर वो सब मेकअप। हाँ इट्स वेरी टफ एंड आई मस्ट से बट आई हैव एंजॉयड, बहुत एंजॉय किया मैंने। एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू डे। तो आशा काम खत्म हो गया और ये पूरा क्रू साथ में कास्ट सब भाग गए अचानक से। मतलब भी नहीं होता मेरा कुछ करूँ या नहीं करूँ। 12 घंटे ज़्यादा शूट किए और इनका भी सॉन्ग आने वाला है और जैसे ही आएगा मैं अपने चैनल में सबसे पहले उसको प्रमोट करूँगा और साथ ही साथ अभी एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारी YouTube चैनल इमरान 16 को। और तब तक के लिए बाय बाय।